नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, हिंदी अधिकारी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा। आज ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में एक वीडियो लेक्चर के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज हमारा वीडियो लेक्चर का जो विषय है वो है देवनागरी लिपि, उसका उद्भव और विकासक्रम, और इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी की लिपि है, और हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी जैसी अनेक भाषाओं की लिपि भी देवनागरी रही है। लेकिन आज के इस आधुनिकता के दौर में जहां हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगह पे हिंदी के लिए देवनागरी के स्थान पर रोमन का प्रयोग किया जा रहा है और इसे आधुनिकता का परिचायक कहा जा रहा है, ऐसे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देवनागरी लिपि जो है ये हमारी भारत की एक बहुत प्राचीन लिपि से इसका विकास हुआ है और ये एक बेहद ही ज़्यादा वैज्ञानिक लिपि है और इसकी वैज्ञानिकता जो है अब पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है। अतः आज हम देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ, उसका उद्भव कहाँ हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देवनागरी लिपि को अगर हम देखें या किसी भी भाषा या किसी लिपि को देखें तो उसका एक क्रम होता है, उस क्रम में ही उसका विकास होता है। जैसे प्रत्येक भाषा जो है उसके विकास की एक प्रक्रिया होती है, जैसे बोली, विभाषा, उपभाषा और भाषा के भाषा, और फिर परिनिष्ठित भाषा या फिर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं उसके रूप में उसका विकास होता है। बोली, विभाषा, उपभाषा, भाषा और परिनिष्ठित भाषा के रूप में जैसे भाषा का विकास होता है, उसी प्रकार लिपि भी जो है समय के साथ साथ विकसित होती है। तो चलिए आज हम थोड़ा सा देवनागरी लिपि के इतिहास के बारे में जानें। देवनागरी लिपि से हम सभी परिचित हैं। देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएँ तथा कुछ विदेशी भाषाएँ भी लिखी जाती हैं। जैसे अगर हम देखें तो मुख्यतः संस्कृत, बोडो, पाली, अंगिका, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, मगही, भोजपुरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाएं आज देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि की अगर वर्णमाला में अगर हम स्वर और व्यंजन को देखें तो इस स्लाइड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार जो है उसमें स्वर है और किस प्रकार उसमें व्यंजन की व्यवस्था की गई है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, ये जो है देवनागरी लिपि के स्वर हैं। और बाकी जैसे क, ख, ग, घ, क्व, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, श, त्र, ज्ञ, इस प्रकार जो है इसके ये व्यंजन है। देवनागरी लिपि का विकास उत्तर भारतीय ऐतिहासिक गुप्त लिपि से हुआ, हालांकि अंततः इसकी व्युत्पत्ति ब्राह्मी वर्णाक्षरों से हुई जिससे सभी आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ है। 7वीं शताब्दी से इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन इसके परिपक्व स्वरूप का विकास 11वीं शताब्दी में हुआ। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वैदिक आर्यों ने 5वीं सदी ईसा पूर्व से शुरू किया और जो कि बौद्ध कालीन है। गुप्त काल के प्रारंभ में ब्राह्मी के दो भेद हो गए, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से तमिल लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु और कन्नड़ लिपि, ग्रंथ लिपि आदि या मलयालम की जो लिपि है उनका विकास दक्षिणी ब्राह्मी से हुआ। और जैसे इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि उसका जो विकास क्रम है उसको यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तरी ब्राह्मी लिपि से उत्तरी ब्राह्मी 350 ईस्वी तक उसका प्रयोग होता रहा। उसके बाद गुप्त लिपि जिसका समय 4थी और 5वीं सदी तक का है। उसके बाद आती है सिद्ध मातृका लिपि जिसका प्रयोग 6ठी शताब्दी तक होता रहा। उसके बाद 8वीं और 9वीं सदी का जो समय है वो कुटिल लिपि का है।
और यहाँ आप देख रहे हैं कुटिल लिपि से दो प्रमुख लिपियों का विकास हुआ, एक नागरी लिपि और दूसरी है शारदा लिपि। नागरी लिपि को अगर हम छोड़ दें और शारदा को देखें तो शारदा लिपि से गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी आदि लिपियों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो दक्षिणी ब्राह्मी से दक्षिण भारत की भाषाएं और उत्कल की भाषा उड़िया और उसकी लिपि जो है कलिंग लिपि उसका विकास हुआ है, और उत्तरी ब्राह्मी से उत्तर भारत की भाषाओं का विकास हुआ है। इस स्लाइड में आप देख पाएंगे कि ब्राह्मी लिपि की जो वर्णमाला है ये कैसी थी, यानी जिस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है उस लिपि की जो वर्णमाला है उसे आप इस स्लाइड में देख पाएंगे कि ये जो है ब्राह्मी लिपि के वर्ण हैं। अब हम आगे बढ़ें तो हम देख पाएंगे कि अलग अलग जो राजवंश हैं उनके समय में ब्राह्मी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ। आप यहाँ देख पाएंगे कि 300 सदी ईसा पूर्व में जो है, जो बड़ा प्राचीन समय है, उस समय ब्राह्मी लिपि का प्रयोग वर्ण कैसे थे, बाद में अशोक के समय, बाद में मौर्य और जो सुंग राजवंश आया या आगे चल के जो गुप्त राजवंश आया उनके समय किस प्रकार उनमें किस प्रकार लिपि का जो स्वरूप है वो उसमें परिवर्तन आया, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आया और बाद में जो है देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी से हुआ। ये जो स्लाइड है यहाँ आप देख पाएंगे कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का लिपि का विकास किस प्रकार हुआ है। यहाँ आप देखिए बाईं तरफ जो है ये देवनागरी लिपि है और उसके आगे जो है ब्राह्मी लिपि दी गई है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार ब्राह्मी लिपि से देवनागरी के अक्षरों का विकास हुआ है। और यहाँ बहुत साफ तौर पे जैसे यहाँ आप ठ को देख पा रहे हैं, क को देख पा रहे हैं, अ को देख पा रहे हैं, इन वर्णों को आप जब देखें तो आप समझ पाएंगे कि पूरी तरह से जो है एक विकास क्रम की प्रक्रिया पूरी करते हुए ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि में परिवर्तित हुई है। ये स्लाइड है, यहाँ मैंने ये दिखाया है कि अशोक जो है एक महान राजा जो हमारे देश के रहे हैं, उनका जो रुम्मिंदई स्तंभ है, काफी प्रसिद्ध स्तंभ रहा है, उस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ ये राजादेश है, ये अशोक का जो राजादेश है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, उसको यहाँ दर्शाया गया है, ये ब्राह्मी लिपि के वर्ण है। इस स्लाइड में मैंने दिखाया है कि ब्राह्मी लिपि से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया की बहुत सी भाषाएं हैं उनका विकास भी ब्राह्मी से ही हुआ है, और उनका एक तुलनात्मक प्रारूप इस स्लाइड में दिखाया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं कि देवनागरी सबसे पहले देवनागरी है, फिर गुजराती है, पंजाबी है, बंगाली है, ओडिया है, फिर तिब्बतियन है, और उससे आगे और मलेशियन और सिंगापुर और बर्मा और थाईलैंड आदि देशों की जो भाषा है और उसके लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो लिपि है, इन सभी का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, और उनमें किस प्रकार समानता है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस अगली स्लाइड में आप देखिए कि ब्राह्मी से विकसित भारतीय लिपियों जो लिपियाँ हैं उनके अंकों में कैसे समानता है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो अंक हैं वो मूल रूप से भारत में विकसित हुए, और जब भारत में विकसित हुए तो भारत की लिपि ब्राह्मी में ही उन अंकों को पहले लिखा गया, और उन ब्राह्मी अंकों से बाद में आगे चल के जो भारत की भाषाएं हैं उनके जो अंक हैं उनका विकास हुआ और उन्हीं से उन्होंने इन अंकों को लिया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं देवनागरी, असमिया, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तिब्बती के जो अंक हैं वो पूरी तरह से जो है ब्राह्मी लिपि पर आधारित हैं। इस स्लाइड में आप भारतीय एवं अन्य एशियाई लिपियों में वर्णों की जो तुलना है उसे आप देख सकते हैं कि देवनागरी लिपि ब्राह्मी, असमिया, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया आदि जो लिपियाँ हैं उनके जो वर्ण हैं उनमें कितनी ज़्यादा समानता है और कहाँ पे विषमता है या असमानता है उसे भी आप मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि भारतीय एवं अन्य एशियाई लिपियों की वर्णों की फिर से तुलना इसी में दिखाई गई है। यहाँ आप इवन देख सकते हैं कि भारत के अलावा जो थाई, बर्मी, लाओ, सिंहल, तिब्बती आदि जो लिपियाँ हैं जो भारत में इसका प्रयोग नहीं होता है उन लिपियों के लिपियों की भी ब्राह्मी के साथ किस प्रकार समानता है वो आप इस प्रकार इस स्लाइड में देख पा रहे हैं। अगला जो है ये है नंदी नागरी में लिखित विजयनगर का शिलालेख,
आप सभी और हम जानते हैं कि इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का क्या महत्व है, और वहाँ पे भी जो है नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नंदी नागरी जो है नागरी का ही एक स्वरूप है, और उसका प्रयोग वहाँ के शिलालेखों के लिए किया गया, जिसे इस स्लाइड में दर्शाया गया है। अगला, इस यहाँ आप देख सकते हैं कि देवनागरी में ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है उसको यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इतना जो प्राचीन ग्रंथ है हम हिंदुओं का, उसकी जो है लिपि देवनागरी रही है। और यहाँ दिखाया है मैंने कि बाद में आगे चल के जब अलग अलग राजवंशों का शासन हुआ, जैसे सिंधिया राजवंश, उसके सिक्के और देवनागरी और महमूद गजनी के चांदी के सिक्के, जिन्हें हम दिरहम के नाम से जानते हैं, और उस दिरहम में भी देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। आप देख सकते हैं कि जैसे जो प्राचीन काल के जो सिक्के हैं वहाँ से लेके आज हमारी देवनागरी लिपि जो है कंप्यूटर के कीबोर्ड तक उसने अपना सफर तय कर लिया है, और आज कंप्यूटर पे भी देवनागरी लिपि आ गई है, और कंप्यूटर में टाइप करके या बोल के भी हम देवनागरी में टाइप कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा कि देवनागरी लिपि की व्युत्पत्ति, यानी कैसे वो उसका कहाँ से उत्पन्न हुई, उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से इस लिपि का संबंध बताया गया है, पर दृढ़ प्रमाण के अभाव में यह मत संदिग्ध है। यह एक मत है कि नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से जो है इस लिपि का संबंध है। इससे आगे दक्षिण में इसका प्राचीन नाम नंदी नागरी था। हो सकता है नंदी नागर कोई स्थान सूचक हो और इस लिपि से उसका कोई संबंध रहा हो। यह भी हो सकता है कि नागर जन इसमें लिखा करते थे। नागर जन यानी जो नगर में निवास करने वाले निवासी, वो उसका प्रयोग करते थे। अतः नागरी अभिधान पड़ा, नागरी नाम पड़ गया, और जब संस्कृत ग्रंथ भी इसमें लिखे जाने लगे तब देवनागरी से कहा जाने लगा। सांकेतिक चिन्हों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण, चक्र आदि संकेत चिन्हों को देवनागर कहते थे। कालांतर में नाम के प्रथमाक्षरों का उनसे बोध होने लगा, और जिस लिपि में उनको स्थान मिला वह देवनागरी या नागरी कही गई। इन सब पक्षों के मूल में कल्पना का प्राधान्य है, निश्चयात्मक प्रमाण अनुपलब्ध है। तो ये कुछ मत हैं जिनके आधार पर देवनागरी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई उसको बताया गया है। और आगे देखें तो उसकी जो सामान्य विशेषताएं हैं वो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं ही लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है, जिसे हम शिरोरेखा कहते हैं। कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं होती है, जैसे ध आदि। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है, इसे हम इंग्लिश में फोनेटिक स्क्रिप्ट कहते हैं, जो प्रचलित लिपियों यानी रोमन, अरबी, चीनी आदि से अधिक वैज्ञानिक लिपि है। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि फोनेटिक इसलिए है कि जो हम बोलते हैं वही इस लिपि में लिखा जाता है, और जो लिखा जाता है उसे ही उसी रूप में ही उच्चारित किया जाता है। भारत की कई लिपियाँ देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं, जैसे बांग्ला, गुजराती, गुरुमुखी आदि। इनमें लगभग समानता बहुत ज़्यादा है देवनागरी से। और यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो देवनागरी की बारह खड़ी है उसमें क का की कु कू पू रू के कई को कऊ कं क आदि को दर्शाया गया है, इसे हम बारह खड़ी कहते हैं। अब देखिए देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, जब हमने शुरू में कहा था कि ये वैज्ञानिक लिपि है, तो किस प्रकार ये वैज्ञानिक लिपि है इसको हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। भारतीय भाषाओं के लिए वर्णों की पूर्णता एवं संपन्नता, यानी कुल 12 वर्ण है, ना बहुत अधिक और ना बहुत कम। एक ध्वनि एक सांकेतिक चिन्ह, अर्थात अंग्रेजी की ज ध्वनि के लिए जैसे जे, जी, जेड आदि 3 वर्ण हैं, वैसे इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही सांकेतिक चिन्ह है, जिससे कि कोई भ्रम ना हो। एक सांकेतिक चिन्ह एक ध्वनि, जैसे क चिन्ह के लिए क ध्वनि ही उच्चारित होती है और क से हम दूसरी ध्वनि उच्चारित नहीं कर सकते। स्वर और व्यंजन में तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक क्रम विन्यास, देवनागरी के वर्णों का क्रम विन्यास उनके उच्चारणों के स्थान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ण क्रम
के निर्धारण में भाषा विज्ञान के अन्य कई पहलुओं का भी ध्यान रखा गया है। देवनागरी की वर्णमाला वास्तव में ब्राह्मी से उत्पन्न जो सभी लिपियों की जो वर्णमाला है वो एक अत्यंत तर्कपूर्ण ध्वन्यात्मक क्रम यानी एक फोनेटिक लॉजिकल फोनेटिक ऑर्डर में उसको व्यवस्थित किया गया है। यह क्रम इतना तर्कपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक संघ इसे IPA के नाम से जाना जाता है ने अंतर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला के निर्माण के लिए मामूली परिवर्तनों के साथ इसी क्रम को अंगीकार किया है। देखने में यह लिपि बहुत सुंदर और सुसंगठित भी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा देवनागरी लिपि के वर्णों का उपयोग संख्याओं को निरूपित करने के लिए किया जाता रहा है। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण किया गया है। यह भारतीय लिपियों की अद्भुत विशेषता है कि किसी पद्य के लिखित रूप से मात्राओं और उनके क्रम को गिनकर बताया जा सकता है कि कौन सा छंद है। रोमन अरबी में यह गुण नहीं है। उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। जैसे रोमन में अक्षर का नाम बी है और ध्वनि ब है। लेखन और मुद्रण में एक रूपता है। रोमन अरबी और फारसी में हस्तलिखित और मुद्रित रूप अलग अलग है, अर्थात जो प्रिंटिंग प्रेस है या हाथ से लिखे जाने वाले कंप्यूटर पे है, सभी जगह लिपि का एक प्रारूप है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रारूप का प्रयोग नहीं होता है, एक रूपता इससे बनी रहती है। देवनागरी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की जैसी वहाँ पे अवैज्ञानिक व्यवस्था हिंदी में नहीं है, अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था से मुक्त है। मात्राओं का प्रयोग यहाँ पे होता है जिससे कि हमको अंग्रेजी की तरह स्पेलिंग याद रखने का कोई झंझट इस लिपि में नहीं है। देवनागरी की कुछ अन्य विशेषताएं यहाँ हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चर्चा अगर हम करेंगे तो शायद समय का अभाव हो, इसलिए आप इस स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि और भी कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो कि काफ़ी अद्भुत हैं और काफ़ी रोचक हैं। अब हम चर्चा करते हैं देवनागरी लिपि पर अन्य लिपियों का क्या प्रभाव है। विकास के दौरान नागरी लिपि पर फारसी लिपि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। फारसी लिपि में नुक्ते या बिंदु का काफ़ी प्रयोग होता है, उसके प्रभाव से नागरी लिपि में भी नुक्ते या बिंदु का प्रयोग होने लगा है। नागरी लिपि पर गुजराती लिपि का भी प्रभाव पड़ा है। गुजराती लिपि में शिरोरेखा नहीं है, उसके प्रभाव के फलस्वरूप बहुत से लोग नागरी लिपि में भी शिरोरेखा नहीं लगाते हैं। नागरी लिपि ने अंग्रेजी से भी प्रभाव ग्रहण किया है। अंग्रेजी के फ्रॉक ऑफिस जैसे शब्दों के प्रचलित होने के बाद इन शब्दों में प्रयुक्त विपरीत वर्तुल स्पष्ट स्वर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ओपन बैक राउंडेड वावेल, ओपन बैक राउंडेड वावेल के लिए एक अलग सा ध्वनि चिन्ह अ के रूप में यहाँ विकसित कर लिया गया है। यानी अगर किसी वर्ण के ऊपर सिर्फ अर्धचंद्र लगा हो तो उसका उच्चारण अ के रूप में होता है, जो कि आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। नागरी लिपि पर अंग्रेजी के विराम चिन्हों का भी प्रभाव पड़ा है। नागरी लिपि में पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब नागरी लिपि के लिए भी आधुनिक मुद्रण तकनीक में सुविधा की दृष्टि से खड़ी पाई के स्थान पर अंग्रेजी के बिंदु का प्रयोग चल पड़ा है। देवनागरी के चारों ओर से मात्राएं लगाना और फिर शिरोरेखा खींचना लेखन में अत्यधिक समय लेता है। रोमन और उर्दू में यह समस्या नहीं है। र के एक से अधिक प्रकार होना जैसे रात, प्रकार, कर्म, राष्ट्र, इससे भी थोड़ा सा भ्रम कई बार जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए उत्पन्न हो जाता है। अतः ये कहा जा सकता है कि देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा अच्छी मानी जा सकती है, जिससे कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसे वर्णों के लिखावट में सुधार की आवश्यकता, क्योंकि रवाना लिखने की परंपरा में सुधार होकर खाना इस तरह से लिखा जाने लगा है। यानी रवाना जब हम लिखते हैं और खाना हम लिखते हैं तो कई बार उसमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि रवाना शब्द कौन सा है और खाना कौन सा है, तो इसमें थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। और इस तरह से लिखने के पश्चात हम शिरोरेखा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे भर लिखते समय शिरोरेखा थोड़ा जल्दबाजी कर दें तो मर पढ़ा जाता है, तो भ और म में अंतर बना रहे इसलिए शिरोरेखा सही स्थान पर लगानी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो देवनागरी लिपि है वो एक बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है, और हिंदी जो भाषा है वो देवनागरी में लिखी जाती है, और हमारे भारत की जो सबसे प्राचीन
भाषा है जिससे हम मानते हैं कि भारत की सभी भाषाओं का विकास हुआ है, अर्थात संस्कृत। संस्कृत की लिपि भी देवनागरी रही है। और इसके अलावा जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं जिनमें नेपाली, मराठी जैसी भाषाएं आती हैं, उन भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। अतः ये एक वैज्ञानिक लिपि है और बहुत ही सुंदर लिपि है। लेकिन जो आधुनिकता की दौड़ में हम हिंदी में तो बात करते हैं या मराठी में बात करते हैं, लेकिन जब लिखने के समय हिंदी, मराठी, नेपाली आदि के लिए हम रोमन का प्रयोग करने लगे हैं, ये एक भाषा के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी के हर विद्यार्थी को देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसकी विशेषताओं के बारे में ज्ञान उसको होना चाहिए। और हिंदी एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के लिए जो जिनके लिए देवनागरी लिपि तय की गई है उसको देवनागरी लिपि में ही लिखा जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि की जो ध्वन्यात्मकता है और जो उसकी वैज्ञानिकता है उसको पाश्चात्य विद्वान भी जो है उसको स्वीकार करते हैं। और आवश्यकता है कि हम भी इस लिपि के महत्व को समझें और देवनागरी लिपि का प्रयोग करें। धन्यवाद।